इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा अदालत ने अगर 90 रोज में इंतखाबात कराने का कहा तो हुकूमत को कराना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है हमें कबूल करना होगा। आइन की तशरीह हमारा काम नहीं, आला अदलिया के जजेस का काम है, वो आइन की तशरीह करें। बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। हमें ऐसे तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते, हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। रात को दुकानें जल्द बंद करने के फैसले का नफा जल्द नजर आएगा। नवाज शरीफ को हटाने के लिए उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई के साथ थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा चेयरमैन पीटीआई को लाने पर जनरल बाजवा पछता रहे हैं कि नहीं उसका इल्म नहीं। चेयरमैन पीटीआई को सपोर्ट किया गया और 126 दिन का धरना करवाया गया, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की। माजी में भी नवाज शरीफ की क्यादत में मुश्किलात पर काबू पाया, अब भी वही मुश्किलात पर काबू पाएंगे। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। भावलनगर में 150 किलोमीटर के दरिया बेल्ट में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। 1,60,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से 1,66,000 से ज्यादा अफराद बेघर होकर नकल मकानी कर चुके। 1,60,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। जिले इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 157 देहात मुतासर हुए। 17,549 घरों को मुकम्मल या जुजवी नुकसान। मुतादद आरजी हिफाजती बंद भी टूट गए। दरियाए सतलज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह मजीद कम होकर 17 फीट पर आ गई। हेड गंडा सिंह से पानी की आमद कम होकर 38,966 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह से पानी का अखराज 35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में राखवा के मकाम पर जमीनी कटाव में तेजी। सैलाबी पानी ने 3 सरकारी स्कूलों, 9 मसाजिद, 10,000 एकड़ अराजी समेत 15 बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें भी दरिया बोर्ड। इलाका मकीनों ने अपनी मददाद के तहत नकल मकानी शुरू कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजर बनी नायब सदर राजीव शुक्ला आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वफ्द बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। राजर बनी राजीव शुक्ला समेत भारतीय वफ्द एशिया कप के मैचेस देखेगा। मुल्क में महंगाई का तूफान, अशिया खुर्दरोश, शबाब की पहुंच से दूर। चीनी की डबल सेंचुरी, आटा घी दालों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपए से भी बढ़ गई। क्वेटा में एक हफ्ते में चीनी 25 रुपए फी किलो महंगी।